बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज में स्थित मौनिया बाबा मंदिर व मेला को राजकीय दर्जा दिलाने के लिए अंगद जी महाराज 15 किलोमीटर दौड़ते हुए सिवान के सुपौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर मौनिया बाबा मंदिर को राजकीय दर्जा दिलाने की मांग की, जिसके बाद से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि अंगद जी महाराज गत कुछ दिनों पहले ही 135 किलोमीटर दूरी दौड़ते हुए हाथ झंडा लेकर पटना पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि उस समय उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सिवान आगमन पर उनसे मुलाकात कर राजकीय दर्जा दिलाने की मांग की। अंगद जी महाराज ने कहा कि अगर इस बार भी आश्वासन पर ही मामला लटका तो वह जिंदा समाधि ले लेंगे। हम मौनिया बाबा जो इतने बड़े महान संत के नाम पर एक मौनिया बाबा का मेला लगता है, उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला है, एशिया में प्रसिद्ध मेला है। इतने बड़े महान संत थे, त्यागी संत थे, जो कि समाज के लिए जिंदा समाधि ले लिए थे। वो संस्कृति हमारे विरासत जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम उनको राजकीय दर्जा दिलाने के लिए हम मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास महाराजगंज से डायरेक्ट दौड़ते हुए पटना हम गए थे 135 किलोमीटर यात्रा करके। वहाँ पर सीएम नीतीश कुमार नहीं मिले, लेकिन हमारे सिवान जिला में सौभाग्य से कि आ रहे हैं इस सुपौली गाँव में, राजकीय मेला घोषित करें और महाराजगंज को जल्द से जल्द जिला बनाए, ताकि ये महाराजगंज की जनता का और जितने भी हमारे होने वाले श्रद्धा आस्था रखने वाले उनका मांग है जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आगे लड़ाई लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जो हम कहे थे जिंदा समाधि लेने के लिए, इसके इन लोगों का आश्वासन पर हम छोड़ दिए थे, लेकिन अब इसको आश्वासन अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लेंगे, जिस तरह मौनिया बाबा जिंदा समाधि ले लिए थे समाज के लिए, देश के लिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अंगद जी महाराज।